क्राइम रिपोर्टर टीम आज स्कूल और कॉलेज का दौरा कर रही देवभूमि उत्तराखंड, सीमांत जिला उत्तरकाशी, कई स्कूलों का भ्रमण और सरकार के द्वारा बांटे गए करोड़ों रुपए के टैबलेट पर मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम ये जानने का प्रयास कर रही है क्या बच्चों को वास्तविक जो टैबलेट दिए गए खरीदे गए हैं और कितने परसेंट बच्चों के पास टैबलेट है और क्या है जो सरकार की प्रक्रिया है, क्या वास्तविक के उसके मुताबिक बच्चों के पास है टैबलेट। और लगभग ऐसा विशेष सूत्रों से निकल के आ रहा है लगभग 40% बच्चों ने ही खरीदे हैं टैबलेट, जबकि सरकार के द्वारा 12,000 रुपये अकाउंट में डाले गए थे और कई बच्चों ने किराए तक लाए हैं, यानी किराए पर टैबलेट को लाया गया। ESN और बिल हालांकि कॉलेज में स्कूल में जमा कर दिया गया। हमारी मुहिम और हम जानने का उस टीम से भी कर रहे हैं बात, स्कूल के प्रिंसिपल और जो देख रहे हैं टैबलेट की और जो टैबलेट को बांटने वाली टीम है स्कूल में, उस और उस डिपार्टमेंट तक भी हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों तक भी क्या कह रहे हैं बच्चे। हमारी मुहिम न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत। क्राइम रिपोर्टर टीम देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला के स्कूल और कॉलेज का भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के द्वारा जो करोड़ों रुपए के टैबलेट बांटे गए उसकी जांच पड़ताल की मुहिम पर है मेरी टीम आज। मातली इंटर कॉलेज के बिल्कुल गेट के पास खड़ा हूँ और दिखाता आपको क्या कह रहे कॉलेज वाले। तमाम चीज़ों से देंगे आपकी जानकारी और हमारा प्रयास न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार की खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत। और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला मातली इंटर कॉलेज का दौरा कर रही है। मेरी क्राइम रिपोर्टर टीम आज कई जगह का दौरा करने वाली है। मातली इंटर कॉलेज की दौरा करी मेरी टीम आज, और जब मैं टैबलेट को लेकर के मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जा रहा हूँ, दिनेश बर्तवाल जी जो यहाँ पर उसको देखते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरी टीम आज जो सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए के टैबलेट बांटे गए उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, ओवरऑल आप उसको देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सर, अभी तक कितने छात्रों को आपके द्वारा टोटल 121 लाख 10th और 12th, ये कब से सर दिया गया, लगभग कितने साल का ये आप डाटा बता रहे हैं? साल का नहीं तो अच्छा, पिछले बार जो स्कीम आई पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार, आप उसमें क्या क्या चीज़ें लेते हैं स्टूडेंट से? जब आप स्टूडेंट के खाते में, ये तो DBT है, डायरेक्ट पैसा जाता है, तो आपके यहाँ क्या जमा करता है? बिल जमा करता है, बिल और ESN नंबर वो उसी में लिखा रहता है। अच्छा, लिखा रहता है, अच्छा उसी में रह रहा है। क्या आप उसमें टैबलेट भी प्रैक्टिकली फिजिकली देख लिया? हम लोगों ने टैबलेट के साथ ही वेरीफाई किया। अच्छा सर, ग्राउंड रिपोर्टर हमारे पास, ग्राउंड जीरो की बातें हैं। कई जगह ऐसे देखने को मिले जब हम गाँव में जा रहे हैं, पेरेंट्स से कहानी बता रहे हैं, उन्होंने 3,000 रुपये किराए में टैबलेट लाया, आपको ESN दिया, हालांकि उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, दिया 3,000 किराए दुकानदार को दे दिया, टैबलेट आज उसके पास मिल नहीं रहा है। क्या आपकी नॉलेज में ये सब कुछ है क्या संज्ञान? देखिए, अगर कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जानकारी हमें नहीं है, पर हमारे इंटर कॉलेज स्तर पे तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं। तो क्या आप बच्चों से बीच में चेक करवाते हैं, लाते हैं बच्चे? क्या इन्हें बीच में जब ऑनलाइन काम था, जिस वक्त कोविड का जब दौर ख़त्म हुआ और स्कूल खुल गए थे, लेकिन स्कूल इस तरह से खुले थे कि भाई कोविड, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल आज भी है राइट, लेकिन फिर जो जिस समय ज़्यादा था तो उस समय इनको ऑनलाइन काम दिया जाता था, गृह कार्य वगैरह तो कुछ कभी सर बीच में ऐसे प्लान नहीं करते आप, जैसे 15 अगस्त को या रिपब्लिक डे ऐसे दिन पर बच्चों के एक साथ को कभी सब बच्चे यदि क्लास में बुलाए जाए? वो तो मुझे लग रहा है संख्या बहुत कम मिलेगी फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज कल्याण छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन होते हैं, उसमें OTP आता है बच्चे के द्वारा, जो यहाँ ऑनलाइन आवेदन करता है उसमें OTP मोबाइल नंबर पे भी आता है, हम समय समय पे मंगाते रहते हैं, बीच में लाते हैं लड़के टैबलेट को, जी बिल्कुल देखते हैं टैबलेट लाते हैं। कई जगह पर तो ऐसा लग रहा है कि मानो 40% खरीदा ही नहीं जो हम हमारी टीम काम कर। कई जगह तो मैं अच्छा, चलिए एनीवे, आपके स्तर तक आपका कहना है बिल्कुल क्लियर है, ऐसे भी सोचना है वो ESN नंबर जो आपको चढ़ा हो सकता है, कई और जगह भी मिल रहा है, पॉसिबिलिटी हर चीज की हो सकती है राइट। जो इसके चरणबद्ध तरीके, हम लोग पहले चरण में ही इनको बांट चुके थे, आपके पास जो सरकार का निर्देश हुआ आपने उस हिसाब से काम जी, किया जी, जी, हो सक, ये पॉसिबल है कि बाद में किसी ने ऐसा किया हो, हम तो प्रथम चरण में ही ये, क्योंकि पैसा तो एक अकाउंट में आया ना बच्चे के राइट, और उसने हमने यहाँ पे उनको बिल और सॉरी मोबाइल नहीं मतलब टैबलेट के साथ ही बुलाया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप गए थे दिनेश बर्तवाल जी, मातली इंटर कॉलेज
में जो टैबलेट टीम को देख रहे हैं उनका कहना है बिल्कुल एक्यूरेट गिनती बताई सर ने, 121 लोगों को दिया गया। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ सर बता रहे हैं उनकी जो नॉलेज है जो सरकार के इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि उत्तराखंड का दौरा करें मेरी टीम आज और मैं भारती इंटर कॉलेज में हूँ। जब मैं कॉलेज में पहुँचता हूँ तो दिनेश प्रसाद गैरोलॉजी प्रिंसिपल है, हालांकि मुझे आज छुट्टी पर मिले, अपनी सीट पर नज़र नहीं आए और चार्ज में कोई और अध्यापक मुझे मिले। और जब मैं दौरा कर रहा हूँ आज खासी मेरी क्राइम रिपोर्टर टीम करोड़ों रुपए के बांटे गए टैबलेट पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज मातुल इंटर कॉलेज क्लास 11th में हूँ। जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं उस क्लास की मेरी टीम आज दौरा कर रही है और क्लास संख्या 4 11th B का दौरा कर रही मेरी टीम। सर मुझे क्लास में मिलते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका क्या नाम है सर? सर मायसेल्फ आरएस पवार। आरएस पवार सर, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट डील करते हैं सर आप? सर मायसेल्फ लेक्चरर इन इंग्लिश। वेरी गुड सर, एक्चुअली माय टीम इज गोइंग टू सर्वे द टैबलेट व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, तो क्या आप थोड़ा अलाउ करेंगे हमें क्लास? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और ये जब मैं क्लास का दौरा कर रहा हूँ पूरी क्लास मुझे नज़र आई 11th की, और ज़्यादातर यदि कॉलेज का दौरा कर रहा हूँ तो लड़कियाँ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही। ज़रा पूछ के देखता हूँ सरकार की करोड़ों की जो योजना चली है आखिर धरातल तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है, क्या कह रही है। यस बेटी आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका? आदित्य। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 11th साइंस बी। साइंस बी, क्या सब्जेक्ट आपका? बायो वाली मैथ वाली? मैथ। मैथ्स वाली, वेरी गुड। अच्छी बताओ आप, आपने 10th लास्ट ईयर पास किया था कोविड के दौरान? यस yes, सरकार की योजना टैबलेट चला था, आपको पता है बेटी इस बारे में? आपको टैबलेट मिला क्या? यस सर। क्या पैसे मिला था, टैबलेट मिला था? सर टैबलेट मिला था, मतलब पैसे मिले थे। पैसे में कितना रुपए मिला था? सर 12,000 अकाउंट में आया था। कौन सी कंपनी का टैबलेट लिया आपने? सर लेनोवो। हां सर लेनोवो। अच्छा चल रहा है घर पे अभी? ठीक है या खराब हो गया? सर चल रहा है, एक साल हो गया। यूज है क्या उस टैबलेट का? यूज क्या यूज करती हैं आप? ऐसे बताया जा रहा हूँ किसी काम का नहीं है, ज्यादा उसमें फंक्शन नहीं है सर, पढ़ाई के लिए है। यूज करती हैं आप उसको? यस सर। ऐसे निकल के आ रहा कि ज़्यादा यूज नहीं हो पाता उसमें, यूज नहीं है ज़्यादा? आप सहमत हैं क्या? ठीक है योजना? यस सर। ठीक है आप सेटिस्फाइड हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। एक और लड़की मिलती है। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम ईशा है। ईशा जी आपने टैबलेट खरीदा है क्या? कहाँ की रहने वाली आप? हम वैसे तो मार्केट में रहते हैं पर 10 की भंडार से हमारा गाँव में। 10 की भंडार से? अच्छा ये बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास रिपोर्ट है कि लड़कियों को पैसा मिले लड़कियों ने उसकी जगह मोबाइल खरीदा, टैबलेट नहीं खरीद के। आपका टैबलेट है क्या? यदि मेरी टीम आपका घर का दौरा करिए कल मंगाओ तो आ सकता है टैबलेट? किस कंपनी का है? लेनोवो कंपनी का। वेरी गुड, कितने में खरीदा था आपने? उसकी कॉस्ट तो ज्यादा है मेरे ख्याल से, 12,000 में तो नहीं आते वो? नहीं, उसमें तो एक्स्ट्रा पैसा लगता है? नहीं नहीं, 12,000 में आ गया था। आ गया था 12,000 या कम में आया था 9-10 हज़ार में? ऐसे बताया जा रहा लोगों ने पैसे खूब बचाए पेरेंट्स ने। किस बैंक में आपका पैसा आया था? हमारे ये UGB बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। वेरी गुड, चले कुछ बोलना चाहेंगे आप? सरकार की जो योजना है क्या फायदेमंद है? वैसे बताया जाता हूँ टैबलेट ज़्यादा काम का तो है नहीं, उसमें जो रैम वगैरह है बहुत कम स्पेस है, यूज करती है आप उसको? क्या यूज करती है आप उसमें? हम उसमें ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं okay. पढ़ाई के इससे यूट्यूब पे, और उस पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस पर सिम भी लगा सकते हैं okay. जिससे कि हमारा जो डाटा है हम उसके थ्रू हम मतलब अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ओके okay. यानी बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल। आगे सरकार कुछ और योजना निकाल रही है कौन सी, चाहे कुछ और जैसे पढ़ाई से संबंधित जो चीज़ें हैं तो क्या आप उसमें हैं? लैपटॉप वगैरह देने की सरकार की योजना रहे तो आप उसमें एग्री हैं क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जाने का प्रयास कर रहा हूँ कहीं ना कहीं जवाब तो मिल रहा है लेकिन पूछता हूँ। और यस बेटे क्या नाम आपका? जी योगेंद्र। योगेंद्र जी कहाँ के रहने वाले आप? मातली। मातली। टैबलेट खरीदा आपने? यस सर। किस कंपनी का? लेनोवो। सारे यार लेनोवो खरीद रही क्या? ESL बिल दिया आपने? यस सर। अभी आपके पास टैबलेट है क्या घर में? यस सर। आज चलो मिलेगा? बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त हैं 40% के पास नहीं मिल रहा, हम यदि ग्राउंड पर जाएं तो ऐसा है। कितने दिन बाद लिया था आपने जब पैसा आया था? सर 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद, कहाँ कहाँ से लिया था आपने, किस दुकान से? सर यहीं पर है सर। किस जगह से लिया था आपने? सर दुबाटा। दुबाटा में, ये यहाँ पर जो दुकानें हैं? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जानेंगे उस दुकान तक भी जाएगी मेरी टीम, पता लगाएगी। और क्या नाम आपका? सर आदित्य। सरकार की योजना टैबलेट की जो बनी हुई है बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, आप सच बताएं कि आपने खरीदा है क्या? यस सर। किस कंपनी का है? सर लेनोवो। अच्छा ऐसे बताया जा रहा हूँ ज़्यादा काम करने ये खराब हो जाता है, क्या आप बोलेंगे? सर सही सर, ऑनलाइन काम आते हैं तो उसमें तो रैम बहुत कम है, वो तो काम का नहीं है ज़्यादा। क्या उसकी जगह यदि गवर्नमेंट मोबाइल या लैपटॉप निकालती है, क्या आप ऐसा चाहते हैं क्या? सर क्या होना चाहिए स्कीम?
अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ओवरऑल काफ़ी सारी क्लास का जब मैं दौरा कर रहा हूँ, बहुत सारे एक लड़की और इस बेटे, क्या नाम है आपका? ईशा। क्या नाम है आपका? ईशा। बहुत पहले कन्या धन योजना चली थी, उसमें कुछ आपको पैसा मिला क्या सरकार से? क्या नाम है आपका? ईशा। ऋषभ। यस, आप 11th क्लास में पढ़ती हैं क्या? यस। अच्छी बताइए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही, जो लड़कियों को कन्या धन की योजना मिलती थी, वो पैसा मिला क्या आपको? कितना पैसा मिला था? हैं, अच्छा कब मिला था, कितने टाइम पहले? अच्छा अकाउंट्स में कितना पैसा आया था आपका, जो टैबलेट के लिए आया था? 12,000 खरीदा आपने। तो ये सरकार की जो योजना है कन्या धन वाली, वो ज़्यादा इफेक्टिव है या जो ये टैबलेट वाली योजना है? ओके, आगे आप सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार कुछ और योजनाएं लेके आ रही है लड़कियों के लिए, खास तौर पर कौन सी योजना आपके दिमाग में जो आपके लिए फायदेमंद है, बताएंगे आप कुछ? क्या हो सकता है कि लड़कियों के लिए लैपटॉप हो या पढ़ाई से, कोचिंग से रिगार्डिंग हो? अच्छा ऐसा सरकार योजना बना रही है कॉलेज में करियर काउंसलर, जानती हैं आप, जो सिर्फ जीके जीएस वगैरह पढ़ाएंगे, कि ऐसी नियुक्ति यदि हो, जैसे पीटीआई हुआ करती है सर लोग, स्पेशल पीटी के होती है, तो क्या वो फायदेमंद है, रहेगी क्या? चलिए, वो व्हाट वांट टू बिकम इन योर लाइफ, क्या आपका जैनिथ है, क्या बनना है आप लाइफ? मुझे आर्मी में जाना। चलो बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा अभी क्या तैयारी कर रही क्या आप अभी? अच्छा तैयारी करेंगे आप, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लड़की और है कुछ बोलना चाह रही है। यस बेटे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो स्कूल है, हमें स्कूल आते हुए कम से कम 1-2 महीने हो गया है। okay. तो हमारी जो बुक्स हैं उनमें आधी बुक्स आ गई हैं, और हमारा जो सिलेबस है उसमें भी वो काफ़ी छूट रहा है, क्योंकि जो बुक्स ना आने की वजह से, जैसे एक बार वो होता था गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स बांटी जा रही थी बच्चों को, वो एनसीईआरटी के जो चीज हुआ उसको लेके बात कर रही हैं। yes, okay. जो बुक्स हमें मतलब स्कूल में मिल रही थी, गवर्नमेंट हमें दे रही थी, जो सीआरसी बड़ी थी की तरफ से, okay. तो हमें जो बुक्स दे रहे थे, तो उसमें क्या है कि हमारा आधी बुक तो आ गई, okay. पर जो आधी बुक जो बची हैं उसमें कैसे हम आगे मतलब पढ़ेंगे, जैसे हमारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक जो होती है, एंड जो हमारी इंग्लिश की बुक है और हिंदी की भी, जैसे एक आरोह पुस्तक हो गई, इस टाइप से जो बुक्स छूटी हैं, तो अगर उसमें मतलब वो हो सके तो क्या मतलब आप चाह रहे हैं उसमें? हम चाह रहे हैं कि हमें बुक्स जल्द से जल्द मिल जल्द, अभी बुक नहीं आई, बुक नहीं आई, क्योंकि और देखो जब कई जगह पर हम दौरा करते हैं क्लास में, बहुत सारे सिक्योरिटी स्टूडेंट हमें मिलते हैं, लड़की पूछ रहे अपनी ओर से कुछ प्रॉब्लम बता रही है, कई जगह पर हालांकि प्रॉब्लम देखने को नहीं, तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, किस तरीके जब सिलेबस चेंज हुआ है तो बुक पहुँचाई जाए। अच्छा आप इतनी क्योरियस नजर आ रहे हैं, व्हाट डू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट इज योर जर्नी, क्या बनना है आपको लाइफ? मुझे सीरियस है आप पढ़ाई लिखा, हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, हमें मतलब आगे क्या है आपका गोल बनने का, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं? एनडीए का एग्जाम क्लियर। अच्छा यू वांट टू गो इन डिफेंस। अच्छा पता आपको एनडीए कितने नंबर होता है क्या? एनडीए के बारे में अभी तो हम स्टार्ट करेंगे स्टडी का, ये अभी 10th तक हमने बस पढ़ाई पे फोकस किया और आगे भी पढ़ाई पे फोकस रहेगा। अच्छा आपको आपका मैथ है, आपको ये भी पता है कि नॉन मैथ वाले भी डिफेंस में जाते हैं, जानते हैं आप इस बात, एनडीए के एग्जाम जानते हैं क्या बोलते हैं उस एग्जाम को, वो किस कैडर में जाते हैं, वो जो एनडीए जो एग्जाम क्लियर करते हैं, जैसे वो फोर्सेस में जाते हैं, जैसे कि हमें एनडीए इस एग्जाम क्लियर करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू में भी काफी बच्चे रह जाते हैं। और किसमें, कौन सा इंटरव्यू? एसएसबी। एसएस, वेरी गुड। क्या उसकी फुल फॉर्म है बेटा? एसएसबी की होती है। एनीवे चलिए, वो लोग बेसिकली आगे जाके पायलट टेस्ट बोलते हैं उसके लिए, वो जो जो पायलट बनते हैं उसके द्वारा कंडक्ट। अच्छा नंबर कितने नंबर का होता है एनडीए, ये जानती हैं आप? इसके बारे में 900 नंबर का होता है, पीसीएम उसमें चलता है, पीसीएम, यस सर, दो पेपर होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, कहीं ना कहीं प्रयास करें, कभी कभी सर लोग अगर ऐसे करियर काउंसलर नहीं आते हैं जो आपको बताएं कि हाउ टू बिकम द डॉक्टर, नीट किया है, एनडीए किया है, यूपीएससी किया है, एसपीसीएस बताते हैं आपको, फिर आपको आपको नीट का पता ही क्या, नीट कितने नंबर का होता है, आपकी मैथ है तो आपको पता, आईआईटी बेटा आईआईटी कितने नंबर का होता है, ये पता है आपको, मेन कितने नंबर का होता है, एडवांस कितने का होता है आपको पता? चलिए एनीवे वेरी गुड। चलिए करियर काउंसलिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, शायद बच्चों को क्लास में करियर काउंसलिंग यदि मिले तो शायद उनको पता लगे कि एनडीए क्या चीज़ है, बहुत क्योरियस नज़र आते हैं मुझे बच्चे, जानने का प्रयास कर रहा था उसी दौरान, कई ऐसे छात्र भी मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, आप जाने जानने का प्रयास करें सर से, कभी करियर काउंसलर बुलाएं, करियर काउंसलर आपको पूरी नॉलेज देगा कि क्या है यूपीएससी, एनडीए, नीट, तमाम चीज़ की जानकारी मिलती है उसमें। और यही मैं बात कर रहा था, शायद काउंसलर चाहिए सब जगह, ताकि बच्चे को ये पता लगे बैंकिंग कितने नंबर का होता है, आईआईटी क्या चीज़ है, कितने का होता है पेपर, ये सब पता लगेगा
निकालेंगे पेपर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।